हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं हो गई हूँ तैयार, और इधर से ना आ रहा है धूप, इसीलिए साफ नहीं दिख रहा है। और अभी ना अभी जो है नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए बिठाया है, और सुबह से काम वगैरह करते करते इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना, तो सुबह तो एक बार चाय पिए थे और एक बार जो अभी मैं चाय बनाई हूँ तो वही मैं पीने जा रही हूँ। देखिए चाय गर्मा गर्म, और सारे सब्जी वगैरह भी मैंने ये काट के रखा हुआ है, तो इस अभी खिचड़ी में मैं डालूँगी ना, तो वही जो है। और खिचड़ी में ना जितना भी सब्जी आप डाल सको उतना डाल सकते हो, मतलब बहुत अच्छा। तो कल हम लोग गए थे ना मार्केट, तो वहाँ से लाए थे हरी हरी सब्जियाँ बहुत सारे, तो वही जो है मैंने अभी कट करके रखा हुआ है। इन्होंने कट किया है, मैंने भी कट किया है, दोनों जने मिल के जो है कट किए हैं, तो इनका भी चल रहा है फिल्म। और इनका जब से बाल कटा हुआ है ना, तो थोड़ा सा जो है अजीब लगते हैं देखने में। अभी बाल आ गया है, थोड़ा थोड़ा आ गया है, बस थोड़ा थोड़ा, मतलब आना आने में अभी बाकी है, तो वही है। तो चलिए अभी मैं सब्जी दिखाती हूँ क्या क्या मैंने कट किया है, उसके बाद जो अभी मैं चाय पीऊँगी। और चाय गर्म है, अभी ठंडा चाय हो जाता है ना, मतलब गर्म चाय ना मेरे से जो है पिया नहीं जाता है, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, जितने भी हरी सब्जियाँ में से था ना, जितना भी सब्जी वो सारा जो है मैंने कट कर लिया है। ये है फूलगोभी, गाजर, आलू, और ये आलू जो है नया वाला आलू है, और मटर, सीम, और ये पालक साग। तो ये थोड़ा सा जो है मैं खिचड़ी में डालूँगी, और बाद बाकी जो है इसको ना मैं भूनूंगी। और अभी प्याज जो है मैंने कट नहीं किया है, और ये दाल है, ये देखिए खिचड़ी बनाने के लिए दाल भी चाहिए। और इस बर्तन में मैं बना रही हूँ, तो पानी जो है अभी गर्म हो गया है, तो अभी मैं पहले इसमें दाल को धो के और डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये दाल थोड़ा सा पक जाएगा ना, उसके बाद जो है मैं मतलब चावल डालूँगी इसमें, और फिर सब्जियों को सारा भूनना पड़ेगा, तो सब्जी सारा जो है भून के ही डालूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जो कि ममाअर्थ का है। ये देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट ना मैंने जो है टेल शॉप से शॉपिंग की है। तो सबसे पहला जो है ये है ममाअर्थ का बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम। तो आँखों के पास अगर डार्क सर्कल हो रहे ना, तो ये क्रीम जो है आप यूज कर सकते हो। और दूसरा जो है ममाअर्थ का उपटन फेस वॉश। तो उपटन फेस वॉश जो है पता ही होगा आप सबको, उपटन फेस वॉश ना बहुत ही अच्छा होता है, और वो भी ममाअर्थ का, तो वो तो अच्छा होता है। और ममाअर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, पैराबिन्स फ्री होती है। तो ये दोनों जो है मैंने ट्रेल शॉप से शॉपिंग की थी, और ट्रेल शॉप पे ना आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। ये दोनों प्रोडक्ट ना मैंने बहुत अच्छा डिस्काउंट में परचेज किया था, तो आप चाहे तो आप भी परचेज कर सकते हो। तो इन दोनों का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और एक्स्ट्रा अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना तो उसमें आपको 30% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और ट्रेल शॉप पे ना अभी बहुत अच्छा जो है सेल भी चल रहा है, तो उस सेल का जो है फायदा उठा सकते हो। तो इन दोनों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हो, और हाँ मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो। तो अभी एक तरफ जो है मेरा चावल बन रहा है, मैंने चावल भी डाल दिए थे धो के, और इसके बाद जो है यहाँ पे तवा मैंने बिठा दिया है। तो इस तवे में ना मैं अभी इसमें सारे सब्जियों को भूनूंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ, और ये सारे प्याज अभी काटूंगी, और आधा प्याज जो है अभी मैं डालती हूँ, और आधा प्याज जो है जब मैं तड़का लगाऊंगी ना तब जो है मैं डालूंगी। तो अभी छोटे छोटे बारीक जो है, बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं, मतलब छोटे छोटे जो है मैं प्याज काट लेती हूँ, और इसमें जो है हींग, जीरा वो डाल के फिर प्याज जो है डालूंगी। तो ये
ये देखिए अभी मैं सारा सब्जी जो है इसमें डाल देती हूँ, जो जो मैंने कट करके रखा हुआ था वो सारा। और हाँ, अभी मैं चाय दे रही थी ना अपने हस्बैंड को, तो वो मेरे से जो है अभी थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वो मतलब उनको पता नहीं क्या होता है, वीडियो में उतना आना जो है पसंद नहीं लगता है। तो और अभी मतलब फ़िलहाल में उन्होंने जो है बाल कटाए थे और अभी बाल भी नहीं है, तो यही था। और ये देखिए अभी मैं सारे सब्जी को इसमें डाल देती हूँ, उसके बाद जो है मैं इसमें मतलब कुछ भी नहीं डालूँगी, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं, सारे सब्जियों को पहले मैं भूनूँगी। बस इसमें मैं नमक डाल देती हूँ ताकि सब्जी जो है जल्दी मतलब आधा पक जाएगा ना सब्जी, उसके बाद जो है मैं चावल में डालूंगी। तो बस इसमें सारे सब्जी मैं डाल देती हूँ, पालक भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, और इसमें जो है नमक भी मैंने डाल दिया था। तो ये देखिए अभी जो है मेरी सब्जी आधा जो है पक चुका है, और उधर मैं चावल और दाल मतलब दाल थोड़ी देर पहले डाली थी, उसके बाद जो है चावल मतलब 5 मिनट बाद जो है मैंने डाला था, तो इधर पक गया है। और अभी मैं इस सब्जी को जो आधा भून के रखी हूँ इसको मैं डाल देती हूँ, और साथ ही साथ मैं अभी टमाटर, अभी आप देख सकते हो, तो ये दो टमाटर का भी मैं धनिया पत्ता और टमाटर का जो है चटनी बनाऊँगी, उसके बाद जो है अभी दो टमाटर का मैं तड़का लगाऊँगी। तो इस तरीके का खिचड़ी ना मैं बनाती हूँ मतलब कभी कभी, हाँ, तो क्योंकि सारा सब्जी वगैरह उतना कहाँ मिलता है, सब्जी मतलब ठंडियों में ही बस मिलता है, और गर्मियों में मिलता है तो बहुत कम, ठंडियों में सब्जी सारा मिल जाता है और सस्ते भी मिल जाते हैं सारे सब्जी, जैसे कि मटर वगैरह, फूल गोभी, तो ये है। और ज़्यादातर मैं जैसे कि गर्मियों में भी बनाती हूँ ना खिचड़ी, तो बहुत कम सब्जी डालती हूँ, मतलब आलू तो ज़रूर रहता है, और वही जो जो सब्जी रहता है उसी से मैं डाल के बना देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं, और जब मैं और भी ज़्यादा सब्जी डाल के बनाती हूँ ना तो और भी बच्चे खा लेते हैं। तो ये देखिए अभी मैं तड़का की तैयारी कर रही हूँ, तो तड़के के लिए मैंने सेम तेल डाला था, फिर हींग जीरा, फिर दो टमाटर छोटे छोटे काट के वो मैं डाल देती हूँ, और हाँ इसमें जो है मैं सूखे मसाले भी डाल देती हूँ एक एक चम्मच करके, तो एक एक चम्मच मतलब बड़ा चम्मच में एक एक चम्मच, क्योंकि मतलब अभी खिचड़ी है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसी वजह से, और गरम मसाला भी मैंने सब कुछ अभी डाल दिया है। और ये देखिए अभी मेरा मसाला जो है भून गया है अच्छी तरह से, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर जो है मैं सही से इसको मिला के फिर डालूँगी, नहीं तो ऐसे ही अगर डाल दूँगी ना तो फिर वो जो है कहीं कहीं बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है रह जाएगा इसी वजह से। तो ये देखिए मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, अब मैं चावल के पतीले में जो है डाल दूँगी इस मसाले को, और बस मेरा अभी ये खिचड़ी जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से मतलब अभी कोई कोई खाएंगे तो ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी, और फिर मतलब मेरे बच्चे ना घी जो है उनको पसंद नहीं आता है तो बहुत कम खाते हैं घी, तो अभी जो जो खाएंगे ऊपर से मैं एक चम्मच घी डाल दूँगी, उसके बाद जो है मेरा खिचड़ी अभी तैयार हो जाएगा। और ये देखिए अभी मैं इसमें धनिया पत्ते की चटनी की तैयारी कर रही हूँ, और सेम कढ़ाई में अभी मैं साग भी तो बना लूँगी। ना मेरा खाना जो है बन गया है सारा खाना, मतलब खिचड़ी, टमाटर टमाटर और धनिया पत्ता की चटनी, और साग, पालक साग, उसमें जो गोभी के जो पत्ते थे ना वो भी मैंने मिक्स कर दिया है, और अभी मेरा बर्तन स्टैंड ना खाली है क्योंकि सारा बर्तन जो है मेरा यहाँ पे है। और ये देखिए अभी मैं दिखाती हूँ बैग, तो इस तरीके के वेजिटेबल वाला खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा जो है मेरे घर में पसंद करते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने सारे सब्जी इसमें डाल के खिचड़ी बनाया है, और ये चटनी, और ये जो है साग, इसमें मैंने आलू भी मिक्स किया हुआ है। और ये साग की और चटनी की जो है रेसिपी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये सब जो है मतलब सिंपल मैंने बनाया था इसी वजह से, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, अभी मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है, तो चलिए अभी हम लोग खा लेते हैं पहले खाना, और इनका चल रहा है अभी फिल्म, तो तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, पता नहीं क्या फिल्म बोलते हैं, तो ये सब जो फिल्में हैं ना इसको हिंदी में किए हैं, और वही जो है फिल्म आती रहता है